पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक के खाताधारकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच एक खबर सामने आई है कि पीएमसी बैंक के एक खाताधारक की मौत हो गई है। दरअसल मुंबई के रहने वाले संजय गुलाटी को एक के बाद एक कई झटके मिले। संजय की पहले जेट एयरवेज से नौकरी चली गई, फिर बचत से वो किसी तरह अपने परिवार के साथ गुजारा कर रहे थे। इस बीच पंजाब एंड महाराष्ट्र ऑपरेटिव बैंक में बड़े घोटाले का मामला सामने आ गया। संजय ने भी पीएमसी में 90 लाख रुपए जमा कर रखे थे। घोटाले की खबर सुनते ही उनके होश उड़ गए। संजय की जमा पूंजी यानी कि 90 लाख रुपए अब फंस चुके थे। संजय निवेशकों के साथ सोमवार को एक रैली में शामिल हुए। उन्होंने वहाँ निवेशकों को रोते हुए पैसे लौटाने के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखा। लोगों के दिल में भरे टीस देखने के बाद जब वह घर लौटे तो कुछ देर के बाद उनकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि हार्ट अटैक की वजह से संजय की मौत हुई है। संजय ओसीवारा के तारापुर गार्डन के रहने वाले थे। आपको बता दें कि पीएमसी बैंक में वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय बैंक ने इस बैंक के ग्राहकों के लिए नकदी निकासी की सीमा तय करने के साथ ही बैंक पर कई तरह के अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। पंजाब और महाराष्ट्र ऑपरेटिव बैंक में ग्राहकों का 11,500 करोड़ रुपए जमा है। बैंक की ब्रांच पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा में भी है। पीएमसी बैंक की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप 10 कोऑपरेटिव बैंकों में से एक है। आरोप के मुताबिक पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट ने अपने नॉन फॉर्मिंग एसेट और लोन वितरण के बारे में आरबीआई को गलत जानकारी दी, जिसके बाद आरबीआई ने बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। पंजाब एंड महाराष्ट्र ऑपरेटिव बैंक में फाइनेंस फ्रॉड लगभग एक दशक से चल रहा था। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि जाय थॉमस की अगुवाई में बैंक मैनेजमेंट ने कंस्ट्रक्शन कंपनी SDIL को फंड दिलाने के लिए हजारों डमी अकाउंट खोले हुए थे। यह खेल करीब 10 साल से चल रहा था। रेगुलेटर को पता चला कि थॉमस और मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर तकरीबन 4,226 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही कंपनी SDIL को दिए थे, जो अब दिवालिया हो गई है। बैंक की तरफ से बांटे गए कुल लोन का 2/3 हिस्सा सिर्फ एक कस्टमर को दिया गया था। ऐसे में इस बैंक का दिवाला पिट गया और RBI ने इसके कागजात पर रोक लगा दी। उसने डिपॉजिटरों के पैसे निकालने के लिए लिमिट तय कर दी। पहले RBI ने बैंक के हर खाते से निकासी की ऊपरी सीमा 1,000 रुपये तय की थी, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद ये सीमा 25,000 कर दी गई और अब यह लिमिट 40,000 रुपये तक कर दी गई है। आज के हमारे इस खबर में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।